हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का 2016 वर्जन मैंने ओपन किया है और यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने लिख रखी हैं, देख सकते हैं। अब ये टेक्स्ट कुछ भी आप ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत ये है कि ये सारा कैपिटल में है और चेंज केस कमांड आप जानते ही हैं होम टैब में होता है और यहाँ से जाकर के आप चाहे तो इसको स्मॉल में या सेंटेंस केस में बना सकते हैं कुछ इस तरीके से, तो ये ऐसा दिखेगा। लेकिन एक और तरीका हो सकता है जिससे हम ये काम कर सकते हैं। एक शॉर्टकट की कंट्रोल डी प्रेस कीजिए और कंट्रोल डी प्रेस करने के बाद यहां पर देखिए, अगर इन सबको कैप्स पर जाकर के आप क्लिक कर दीजिए यानी टिक कर दीजिए और यहां से ओके करिए, तो यहां पे आप देखेंगे कि स्मॉल कैप्स पे मैंने जैसे ही किया तो यहां पर कुछ इस तरीके से ये सारे के सारे कैपिटल में आ गए। देख रहे हैं, ये कैपिटल में आए हैं। स्मॉल कैप्स का मतलब कि कैपिटल में आएगा। कैप्स का मतलब कैटलॉग जब आप ऑन करते हैं तो उस समय आप कैपिटल में ही टाइप करते हैं, तो यहां पर भी ऐसा ही कुछ है। ठीक है, अब मान लीजिए कि दोबारा से मैं इसी चीज को लेके आता हूं। अब देखिए यहां पर दिया हुआ है स्मॉल कैप्स, अब स्मॉल कैप्स से हटा देता हूं और यहां पर कर देता हूं ऑल कैप्स। तो जैसे ही ऑल कैप्स करूंगा तो ये पूरा का पूरा देखिए, ये अब पूरा ही हिस्सा जो है कैपिटल लेटर्स में आ गया। इसके पहले क्या था वो देखिए, इसके पहले कुछ ऐसा था, देख रहे हैं, ये कुछ इस तरीके से था, कैपिटल लेटर्स में ही था सारा, लेकिन थोड़ा सा छोटा और अलग तरीके से था, देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम यहां पर आएंगे कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हैं यहां पर आए और यहां पर स्मॉल कैप से हटा करके ऑल कैप्स कर देंगे तो ये कुछ इस तरीके से बड़ा बड़ा दिखाई पड़ने लगेगा। तो आई होप कि बात ये समझ में आई होगी कि ये स्मॉल कैप्स और ऑल कैप्स क्या है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।